नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उर्दूस्तान के बारे में। तो आजकल बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि पता नहीं लोग इसके बारे में बात क्यों नहीं करते हैं, करते नहीं हैं या फिर करना नहीं चाहते। जो भी हो, आप देखिए कि आजकल लोग हिंदी से ज़्यादा उर्दू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी लोग अपने आप को हिंदी भाषी कहते हैं, सिर्फ हिंदी भाषी नहीं, दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर समस्त भारत पर उर्दू शब्द हावी है। आप देखिए कि आज हिंदी से ज़्यादा लोग उर्दू बोलते हैं। हिंदी में ना जाने कितने शब्द उर्दू के आज घुस चुके हैं। तो सवाल, इसका कारण क्या है? आखिर लोग हिंदी से ज़्यादा उर्दू के शब्द की। कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो सब के सब उर्दू बोलते हैं। वो चाहे बंगाल में रहता हो, बिहार में रहता हो, भोजपुर में रहता हो, या तमिलनाडु में रहता हो, या कहीं भी रहता हो, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, कहीं भी, पर उसकी मातृभाषा उर्दू ही होगी अगर वो मुस्लिम है तो। अगर ऐसा होता तो फिर बांग्लादेश क्यों बनता? तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों की आज ज़्यादातर लोग आज ऐसा सोचते हैं कि हिंदी हिंदुओं की भाषा है और उर्दू मुसलमानों की भाषा है और पंजाबी सिखों की भाषा है। तो भाई, पंजाबी भी हिंदू होते हैं। ये सब न जाने कहां कहां से ये सब भ्रांतियाँ बन गई हैं। तो वही मैं कहना चाहता था कि आज लोग उर्दू से हिंदी संस्कृत से ज़्यादा उर्दू और फारसी के शब्द इस्तेमाल करते हैं। आज हिंदी भाषी संस्कृत को छोड़कर पर्शियन और अरबिक शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ हिंदी भाषी नहीं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो चाहे इस देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो भी उर्दू शब्द का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड। बॉलीवुड को तो मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री मानता ही नहीं हूँ। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है कहाँ? 80-90% तो वो उर्दू बोलते हैं, बच्चा कुछ पर... तो वही मैं कह रहा था कि 80-90% तो ये उर्दू बोलते हैं, बच्चा कुछ परसेंट तो वो इंग्लिश बोलते हैं, और जितने भी गाने होते हैं वो तो सारे के सारे पंजाबी होते हैं, हिंदी है ही नहीं। और उर्दू शब्दों को भारतीय भाषाओं में घुसेड़ने का काम ये बॉलीवुड के साथ साथ ये सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग भी करते हैं। वो चाहे टिकटॉक था या लाइकी था, वो सब में वो ज़्यादातर उर्दू शब्दों का ही इस्तेमाल करते थे। तो पता नहीं लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते। आप देखिए कि भाषा कैसे बदलती है। अगर किसी भाषा का अपना मूल शब्द को दे और दूसरे भाषा का शब्द प्रयोग करने लगे तो धीरे धीरे वो करके वो भाषा बदल जाती है। भाषा बदलने के बाद वो भाषा टूट के दूसरी दूसरी भाषाएं बन जाती हैं। तो हमारी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, हमारी भाषाएं हमारी पहचान है। और हम किसी भी हालत में हम इसे खोले नहीं देंगे। आप, मैं चाहता हूँ आप लोग समझिए, ये भारतीय भाषाओं में उर्दू, फारसी, अरबिक शब्दों को घुसेड़ने का काम एक सोचा समझा साजिश है।
ना जाने कितने दिन भर के बातचीत में लोग उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण बॉलीवुड है, ये मैं साफ साफ कहता हूँ। तो अब बात करते हैं कि आखिर फिर करना क्या चाहिए। तो भाई मैं शुरू से ही कहता आया हूँ, ये बॉलीवुड के फिल्मों का बहिष्कार करें, बॉलीवुड के गानों का बहिष्कार करें, और ये जितने भी झूठे सुपरस्टार हैं उनका बहिष्कार करें, वो चाहे पाकिस्तान को अच्छा दिखाना हो या अपने ही देश के लोगों को नीचा दिखाना हो या धर्म जात पात के नाम पे लड़वाना हो। ये बॉलीवुड बहुत अच्छे तरीके से जानता है। आज दक्षिणी फिल्में, भारत के दक्षिणी के फिल्में बॉलीवुड से लाख गुना अच्छा है। तो बस यही कहना था। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुर प्रदेश, जय भोजपुरी माई, जय भोजपुरिया समाज, जय हिंद, जय आरा।